हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाला सुपारा में लोगों का रेल ट्रैक पर प्रदर्शन, एसटी बस नहीं होने पर लोगों का फूटा गुस्सा। वसई विरार से सैकड़ों लोग मुंबई, ठाणे व अन्य उपनगरों में काम पर जाते हैं। लॉकडाउन के लगभग 3 महीने बाद पश्चिम रेलवे में लोकल ट्रेनें शुरू की गई हैं, लेकिन उसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों के लिए राज्य सरकार ने एसटी बस सेवा शुरू की है। वसई, नाला सुपारा व विरार से हजारों की संख्या में लोग मुंबई, ठाणे व अन्य जगहों पर एसटी बस से अपने काम पर आते जाते हैं। लोगों को 2-2 घंटे इंतजार के बाद बस मिलती है। मंगलवार को नाला सुपारा पश्चिम स्थित एसटी डिपो में बस नहीं होने से सैकड़ों लोगों को वापस घर लौटना पड़ा। बुधवार सवेरे काम पर जाने के लिए जब लोग एसटी डिपो पर पहुंचे तो बस नहीं थी। बस का इंतजार करते करते भीड़ बढ़ने लगी। लगभग 3 से 4 हजार लोग जमा हो गए, लेकिन बस नहीं आई। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और हजारों की संख्या में लोगों ने नाला सुपारा रेलवे स्टेशन पहुंचकर रेलवे ट्रैक पर जमा होकर लोकल ट्रेन रोक दी और जमा होकर बवाल किया। इस बीच लोगों को हटाने के लिए भारी पुलिस बंदोबस्त लगाया गया। तालुका से सभी पुलिस बुलाई गई, जिसके बाद लोगों को शांत कर रेलवे ट्रैक से हटाया गया और उन्हें एसटी डिपो पर ले गए। वहां से महामंडल के अधिकारियों ने लोगों को काम पर जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई। कुछ लोग तो घर लौट गए, लेकिन कुछ लोग बस से काम पर गए। महामंडल की ओर से लगभग 20 बस चलाई गई। जागरूक टीवी के लिए नाला सुपारा से खास रिपोर्ट।